स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 4 इन योर ईवीएस बुक, विच इज नेम इज प्लेइंग इज फन. खेलना भी क्या है, एक मजा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक गर्ल आपको दिखाई दे रही है, वो बोलती है, एवरी मॉर्निंग आई गो टू पार्क नियर माई हाउस टू प्ले विद माई फ्रेंड्स. रोज सुबह रोज शाम को मैं कहाँ जाती हूँ, हमारे घर के पास में जो पार्क है वहाँ पे खेलने के लिए जाती हूँ मेरे दोस्तों के साथ. वी प्ले खोखो, हम लोग क्या खेलते हैं, खोखो खेलते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट एंड मैनी अदर ग्रुप गेम्स. और उसके अलावा हम बहुत सारे ग्रुप गेम्स भी खेलते हैं. दिस कीप्स मी हेल्दी एंड हैप्पी, ये जो है मुझे हैप्पी और हेल्दी रखता है. एट होम आई प्ले गेम्स विद माई पेरेंट्स वैन दे आर नॉट वर्किंग, और मैं घर पर भी कुछ गेम्स खेलती हूँ, इंडोर गेम्स खेलती हूँ, कभी आउटडोर गेम्स खेलती हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ. ठीक है, जब वो कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं. प्लेइंग गेम्स इज इम्पॉर्टेंट, जो गेम खेलना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर बॉडी, ये एक बॉडी के लिए बहुत अच्छी कसरत होती है, एंड माइंड के लिए भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है. इट कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव, ये जो है खेलना हमें फ्रेश और एक्टिव बना के रखता है. इट गिव्स अस एनर्जी, ये हमें एनर्जी भी देता है. टू कम्प्लीट आवर वर्क, हमारा वर्क कम्प्लीट करने के लिए. लाइक साइना, ये जो गर्ल है, ये साइना है जो इसने बोला, उसके बारे में बात हो रही है. साइना की तरह मोस्ट चिल्ड्रन लुक फॉरवर्ड टू गो आउट टू प्ले इन द इवनिंग, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शाम को अपने आसपास जो भी उनके गार्डन होता है, पार्क होता है, उसमें खेलने के लिए जाते हैं. ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्ले इन ओपन प्लेसेस लाइक पार्क्स और प्लेग्राउंड्स. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें जो आउटडोर गेम्स हैं वो कहाँ खेलने चाहिए, बहुत बड़े पार्क्स में या प्लेग्राउंड्स में खेलने चाहिए. प्लेइंग गेम इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन, गेम खेलना जो होता है बहुत अच्छा एक फॉर्म होता है, बहुत अच्छा एक तरीका होता है अपने आप को एंटरटेन करने का. एंटरटेन करने का मतलब क्या होता है, अपने आप को मनोरंजन देने का. ठीक है, और रिक्रिएशन, उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आर द थिंग्स, अब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, आर द थिंग्स दैट वी डू व्हेन वी आर नॉट वर्किंग. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, जब हम हमारे पास कोई काम नहीं होता है तब हम उन एक्टिविटीज़ को करते हैं, तो वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं. दे हेल्प अस टू रिलैक्स, वो हमें क्या करती है, रिलैक्स करने में हेल्प करती है, कि हम उससे जो होते हैं हम परेशान हो जाते हैं या थक जाते हैं हमारा काम करके, तो हम उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं. टाइम स्पेंड ऑन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड लेजर टाइम, हम जो हमारा टाइम जो हमारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में लगाते हैं, जो टाइम हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उस टाइम को क्या बोलते हैं, लेज़र टाइम. क्या बोलते हैं, लेज़र टाइम्स. उसके बाद में हम जो है बात करते हैं आउटडोर गेम्स की. ठीक है, गेम्स लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड साइकिलिंग आर प्लेड ऑन ए ग्राउंड और ए कोर्ट आउटसाइड द हाउस. अब इन सब चीज़ों की जो मैंने बात की, क्रिकेट की, बैडमिंटन की, हॉकी की, बास्केटबॉल की, फुटबॉल की या साइकिलिंग की, ये सब चीज़ें जो हैं हम घर के अंदर नहीं खेल सकते, या साइकिलिंग हम घर के अंदर नहीं कर सकते. उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, घर के बाहर वाला एरिया जो, या तो बहुत बड़ा मैदान हो या ग्राउंड हो या पार्क हो, ठीक है, हम उसमें ही कर सकते हैं. तो ये जो घर के बाहर जो गेम खेले जाते हैं हम उन्हें बोलते हैं आउटडोर गेम्स. सच गेम्स आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स, ऐसे गेम्स को ही हम क्या बोलते हैं, आउटडोर गेम्स बोलते हैं. सम अदर आउटडोर गेम्स आर, उसके अलावा कुछ जो दूसरे आउटडोर गेम्स होते हैं वो होते हैं खोखो, हाइड एंड सीख को जिसको आप बोलते हैं, आँख मिचोले भी बोलते हैं. ठीक है, कबड्डी, सेवन टाइज, पिट्ठू एंड हॉप स्कॉच मतलब स्टैपू, ऐसे मतलब कुछ गेम्स होते हैं. ठीक है, चिल्ड्रन ऑल्सो लाइक साइकिलिंग, स्केटिंग एंड स्कीपिंग. उसके अलावा बच्चों को और क्या पसंद होता है आउटडोर गेम्स में, साइकिलिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है, स्केटिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है, स्कीपिंग मतलब जो रस्सी कूदना होता है, स्केटिंग मतलब एक ऐसा टूल आता है जिसके नीचे शूज की तरह, जिसमें नीचे व्हील्स लगे होते हैं, उसे आप ज़मीन पे उसे बैलेंस करना सीखते हो. ठीक है, दीज आर ऑल्सो ए गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन, और ये सारी फॉर्म जो होती है, साइकिलिंग करना है, स्केटिंग करना है, ये सारी तरीके होते हैं, ये सब चीज़ें जो हम करते हैं उससे भी हमें क्या मिलता है, रिलैक्स, हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है और हमारे माइंड को भी एक फ्रेशनेस आ जाती है. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनडोर गेम्स की. सम गेम्स लाइक चेस, लूडो एंड कैरम आर प्लेड इनसाइड, कुछ गेम्स होते हैं जिनमें हमें थोड़े से स्पेस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एरिया हमें नहीं रिक्वायर्ड होता है, जैसे होते हैं चेस होता है, लूडो होता है, लूडो आप सब बच्चे खेलते होंगे, कैरम भी आप खेलते होंगे. ठीक है, सच गेम्स आर कॉल्ड इनडोर गेम्स, ऐसे गेम्स को जो है हम घर के अंदर आराम से खेल सकते हैं, और ऐसे जिन गेम्स को हम घर के अंदर खेल सकते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, इनडोर गेम्स बोलते हैं. नाउ डेज वीडियो गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक कार्स एंड प्ले स्टेशन आर ऑल्सो पॉपुलर इनडोर गेम्स, आजकल तो क्या हो गया,
वीडियो गेम्स भी काफ़ी है ना फैशन में आ गए हैं, लोग बच्चे जो हैं वो खेलते हैं वीडियो गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक कार्स जो होती हैं उनसे भी बच्चे खेलते हैं, ठीक है। प्ले स्टेशन आर ऑल्सो पॉपुलर इंडोर गेम्स, ये भी इंडोर गेम्स की कैटेगरी में जो है वो शामिल हो गए हैं। इन मैनी हाउसेज, बहुत सारे घरों में, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन प्ले इंडोर गेम्स टुगेदर। बहुत सारे घरों में क्या होता है, जैसे आपके घर में भी होता है, आपके दादी दादा, आपके मम्मी पापा जब वो काम नहीं करते हैं या जब वो फ्री होते हैं, ठीक है, तो आप सब लोग उनके साथ इंडोर गेम्स खेलते होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। दिस ब्रिंग दैम क्लोजर टू ईच अदर, और इससे क्या फ़ायदा होता है, हम हमारे घर के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके क्लोज आते हैं, ठीक है, उनसे हमारे रिलेशन जो होते हैं वो अच्छे बनते हैं। उसके बाद जो होता है वो हमारा टॉपिक आता है टीम गेम्स, टीम में कौन कौन से गेम्स खेलते हैं, ठीक है। हम हॉकी होता है, फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, बास्केटबॉल होता है, वॉलीबॉल आर सम पॉपुलर टीम गेम्स, ये इतने सारे जो गेम्स हैं ये टीम गेम्स होते हैं। प्लेइंग टीम गेम्स टीचेस अस द वैल्यू ऑफ टीम वर्क एंड कॉपरेशन, जो हम अगर टीम बनाकर खेलते हैं तो हमें एक दूसरे का हेल्प करना आता है, ठीक है, हमारी दिमाग में एक डेवलप होती है, एक हैबिट डेवलप होती है कि हमें हमारी टीम को साथ लेकर चलना होता है, ठीक है। कॉपरेशन का मतलब होता है एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है। मोस्ट स्कूल अपॉइंट ए स्पेशल स्पोर्ट्स कोच टू ट्रेन चिल्ड्रन इन टीम गेम्स, बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है एक अलग से आपका जो स्पोर्ट्स के लिए एक अलग से टीचर होते हैं, ठीक है, वो जो आपको बहुत सारे गेम्स खिलवाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं गेम्स इन द पास्ट, पास्ट मतलब पुराने ज़माने में, ठीक है, पुराने ज़माने में कौन कौन से गेम्स खेले जाते थे। इन द पास्ट व्हेन देयर वर नो टेलीविज़न और वीडियो गेम्स चिल्ड्रन वर हेल्दियर, आज की तरह जो पुराने ज़माने में क्या होता था उस टाइम ना तो कोई वीडियो गेम्स होते थे, ना ही टीवी होता था, ना ही फ़ोन्स होते थे जैसे आजकल होते हैं, तो उस टाइम के बच्चे जो थे वो हेल्दी होते थे, हेल्दी मतलब उनकी जो बॉडी है वो काफ़ी स्ट्रांग होती थी, वो वीक नहीं होते थे, जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे, ठीक है। दे रैन इन द ओपन फील्ड्स, वो भागते थे, दौड़ते थे जो खुले हुए मैदान होते थे, ठीक है, उनमें। दे प्लेड आउटडोर गेम्स लाइक स्कीपिंग, कबड्डी, वो आउटडोर गेम्स जो है वो बहुत ज़्यादा खेलते थे, ठीक है, क्योंकि घर के अंदर ऐसा कोई उनके लिए फैसिलिटी नहीं थी टीवी और वीडियो गेम्स की, तो वो बाहर अपना टाइम जो है वो ज़्यादा स्पेंड करते थे, ठीक है। तो वो कौन कौन से गेम खेलते थे, स्किपिंग करते थे जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, कबड्डी खेलते थे, सेवन टाइज जिसको हम पिट्ठू भी बोलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते थे, आँख में चोली जिसको बोलते हैं, हॉप स्कॉच खेलते थे, स्ट्रैपू खेलते हैं, लंगड़ी टांग खेलते थे, ठीक है। दीज रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी, और इन गेम्स में जो है बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। सम इंडोर गेम्स दे प्लेड वर घर घर विद डॉल्स एंड गिट्टी, द ओल्ड चिल्ड्रन एंजॉयड रेसलिंग व्हाइल द यंगर वंस प्लेड गेम्स लाइक गिल्ली डंडा, मार्बल्स एंड कीकली, ठीक है। तो ये जो गेम्स होते हैं कुछ जो बच्चे होते थे वो घर घर भी खेलते थे, कुछ डॉल्स के साथ और कुछ छोटे छोटे खिलौनों के साथ जो थे वो घर घर खेलते थे, और जो बड़े बच्चे थे वो रेसलिंग, रेसलिंग मतलब एक दूसरे से कुश्ती करना, कुश्ती जिसको हम बोलते हैं वो कुश्ती को एंजॉय करते थे, जब बाकी बच्चे जो क्या खेल रहे होते, गिल्ली डंडा, कंची और ये सब कुछ खेल रहे होते थे, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक आता है वो पेज नंबर 21 पे, वो है गेम इज वर्क फॉर सम, कुछ लोगों के लिए जो है गेम खेल खेलना भी एक काम होता है, उनका काम क्या होता है, खेल खेलना ही उनका काम होता है। जैसे अ गेम प्लेड फॉर फन और टू अर्न मनी और फॉर कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड स्पोर्ट, स्पोर्ट किसको बोलते हैं, देखो ऐसा गेम जो हम मज़े के लिए भी खेलते हैं और उससे पैसा भी हमको कमाए, हम उससे पैसा भी कमा सकते हैं, ठीक है, और हमारे अंदर एक कॉम्पिटिशन की भावना भी आती है, मतलब कॉम्पिटिशन के लिए जो खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्पोर्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु प्लेज अ स्पोर्ट इज कॉल्ड अ स्पोर्ट्स पर्सन, और जो ऐसा गेम खेलता है, जो ऐसा स्पोर्ट खेलता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बोलते हैं, ठीक है। सम पीपल अर्न मनी बाई प्लेइंग ए स्पोर्ट, और कुछ लोग है ना पैसा कमाते हैं स्पोर्ट खेलकर, मतलब गेम खेलकर पैसा भी कमाते हैं। इट इज़ देयर ऑक्यूपेशन, ये उनका ऑक्यूपेशन होता है, ऑक्यूपेशन जैसा हमने पहले पढ़ा हुआ है, ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा काम जिसको करने के बाद आपको पैसा मिलता है, आपकी अर्निंग होती है, उसको ऑक्यूपेशन बोलते हैं। सम स्पोर्ट्स दैट पीपल प्ले प्रोफेशनली आर, कुछ स्पोर्ट्स जो हैं लोग प्रोफेशनली खेलते हैं, प्रोफेशनली मतलब क्या होता है, अपना उनको अपना काम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे उनमें कौन कौन से गेम्स होते हैं, मेनली क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, हॉकी होता है, बैडमिंटन होता है, बेसबॉल, बॉक्सिंग, एथलीट्स, रेसलिंग, पोलो, बिलियर्ड, स्नूकर, आर्करी, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, तो ये जो सारे गेम्स हैं इनको लोग अपने स्पोर्ट की तरह, मतलब अपने अर्निंग सोर्स की तरह भी खेलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आता है हमारा एडवेंचर स्पोर्ट्स, सम स्पोर्ट्स लाइक याचिंग, रिवर राफ्टिंग, सर्फिंग, ग्लाइडिंग एंड स्कूबा ड्राइविंग आर रिस्की बट एक्साइटिंग, और ये जो ऐसे गेम्स जो है ना,
ये सारे जो गेम्स हैं इनमें क्या होता है, थोड़ा रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है इनमें, काफ़ी खतरा होता है, ये थोड़े से डेंजर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार होते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो है ना इनको बिल्कुल नहीं खेल सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल, जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी हो या बहुत ज़्यादा सीखा हुआ हो, ठीक है, वो ही ऐसे एडवेंचरस, एडवेंचरस मतलब होता है थोड़े खतरनाक गेम्स खेलते हैं। दीज आर कॉल्ड एडवेंचर स्पोर्ट। ऐसे गेम्स को हम क्या बोलते हैं, एडवेंचरस स्पोर्ट्स बोलते हैं। दे आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर नाउ डेज। आजकल जो है ऐसे गेम्स काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर 4 जो है कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।